मैंने यहाँ पे ले लिए 5 आलू, एक किचन क्लॉथ या कोई भी कॉटन का क्लॉथ जो बहुत क्लीन हो, एक चाट मसाला का पैकेट, कश्मीरी लाल मिर्च और एक कसने वाला जिसमें आप आलू के स्लाइसेस भी काट सकते हो। ये बाजार में इजीली अवेलेबल है। अब आपको आलू को इस तरह से छील लेना है। मैंने यहाँ पे 5 आलू लिए हैं क्योंकि मेरे घर पे आज 4 लोग चिप्स खाने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैंने 5 आलू को अच्छी तरीके से छील लिया है। अभी इन सभी आलू को आप अच्छी तरीके से धो लीजिए। अभी इन सभी धुले हुए आलू को मैं इस क्लीन कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लूंगा ताकि इनके जो लेयर में स्टार्च है वो निकल जाए, और स्टार्च रहेगा तो ये कुरकुरे फ्राई नहीं होंगे। आप चाहो तो इनको टिश्यू पेपर से भी अच्छी तरीके से पोंछ सकते हैं। अब ये तैयार है। अभी हम सभी आलू को इस तरह से चिप्स के आकार में काट लेंगे गोल गोल। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई टेंशन ना लें, आप अपने नाइफ से भी इस तरह के गोल गोल आकार में काट सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि सब यूनिफॉर्म हो और बहुत मोटा ना हो। एक बार कट जाने के बाद इनको इस तरह से फैला लें एक प्लेट पर, और इन पे लगे हुए स्टार्च को इस तरह से इस क्लीन कपड़े से पोंछ लें, और ध्यान रखें कि पूरी तरह से हर एक आलू के स्लाइस ड्राई हो, कहीं भी स्टार्च नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन आलू के स्लाइसेस को मैंने अलग अलग एक प्लेट पर इस तरह से बिछा दिया है। अभी इनको थोड़ा सूखने के लिए दिया है मैंने 5 मिनट, और जैसे कि इनको बिल्कुल बॉईल करने की या फिर धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंस्टेंट आलू चिप्स की कुकिंग है। ये जो आपको इतने सारे स्लाइसेस दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही आलू से बने हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी 2 और बाकी हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कितने सारे आलू के चिप्स बना सकते हो बस कुछ ही आलूओं से। मैं तो आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको अगर इतने सारे चिप्स मार्केट में लेना है या लेने जाना है तो आपको 100 रुपये से कम में नहीं मिलेगा, और आप अभी इतने सारे चिप्सों को सिर्फ 5 आलू यानी 10 रुपये में ही घर पे बना रहे हो। गैस को कर दिया है मैंने ऑन, मैंने रख दिया है एक कढ़ाई, और अब हम हाई फ्लेम में कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे तेल। चलिए कढ़ाई गर्म हो चुका है और अब हम डाल देते हैं तेल। चलिए तो तेल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें 10 से 15 आलू के स्लाइसेस डाल दूंगा। ध्यान रखना कि ज़्यादा ओवरलोड मत कर दें क्योंकि इससे आपके आलू के स्लाइसेस एक दूसरे से चिपकने लगेंगे और आपको वो क्रिस्पी वाला फील नहीं आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है, आप हाई फ्लेम में फ्राई मत करना और ना ही लो फ्लेम में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको ये लो फ्लेम या हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको लो फ्लेम में फ्राई किया तो आलू कच्चे रह जाएंगे, ठीक से पकेंगे नहीं और वो क्रिस्पी वाला फील आपको नहीं आएगा। सेकेंडली, अगर आपने इसको हाई फ्लेम में फ्राई किया तो ये बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाएगा और आपको एक कड़वा टेस्ट देगा। तो अगर आपको इसको फ्राई करना है बहुत ही अच्छे से और आपको अगर क्रिस्पी वाला फील चाहिए तो आप इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिए। देखिए किस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर दिख रहा है, जो मैंने पूरा इसको मीडियम फ्लेम में ही फ्राई किया है। ये मेरा दूसरा बैच चल रहा है, इसी तरह से आपको सभी आलू के स्लाइसेस को फ्राई कर लेना है। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले चिप्स के जैसे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना क्रिस्पी है। जैसे कि आपने सुना कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि सुखाने में कितना मजा आएगा। अभी हमको लास्ट काम जो करना है वो है सॉल्ट और बाकी सारी चीजें। तो चलिए अब मैं इसमें डालता हूँ चाट मसाला, और मैं इसमें सॉल्ट नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट एडेड रहता है, तो चाट मसाला ही काफ़ी है। और हाँ, इसको और मज़ेदार बनाने के लिए अब हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। जिनको तीखा पसंद है वो डेफिनेटली डालें क्योंकि इससे इसकी टेस्ट और बढ़ जाती है। अब इसको मिक्स कर ले और बस ये तैयार है।